अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुवत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयां हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयां हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं। गुज़िश्ता दो दिन में जो कुछ मुल्क में आग लगी, जी हाँ, बड़ी ख़तरनाक आग लगी। अग्निपथ एक ज़बरदस्त स्कीम मोदी जी साथ में लाए, जी हाँ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जो है जवानों से कहा कि इस स्कीम से फ़ायदा उठाओ। अब प्रॉब्लम यह है कि मोदी जी बेचारे इतनी मेहनतों से स्कीम लाते हैं, किसानों के लिए लाते हैं, किसानों को समझ में नहीं आती। मुसलमानों के लिए लाते हैं, मुसलमानों को समझ में नहीं आती। हिंदुओं के लिए लाते हैं, हिंदुओं को समझ में नहीं आती। पढ़ने लिखने वाले बच्चे युवाओं के लिए लाते हैं, आर्मी वालों के लिए लाते हैं। किसको आखिर मोदी जी की स्कीम समझ में क्यों नहीं आती? अब आप देखें, खैर अग्निपथ जो स्कीम मोदी जी ने लाई, अब लोग सोशल मीडिया पर उसका ताने के तौर पर भी मजाक उड़ा रहे हैं। थोड़ा सा जूता मारकर भी मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी की अग्निपथ फिल्म जो है वो अब कई स्टेट में सुपर डुपर हिट हो गई और मोदी जी की स्कीम जवानों को बहुत ज्यादा पसंद आई। अब मोदी जी ने समझना चाहिए कि अब इस स्कीम को कैसे लॉन्च किया जाए। जी हाँ, आइए मैं आपको बता दूं कि अग्निपथ जो स्कीम जो योजना मोदी जी ने लाई थी, इसके खिलाफ शिमाल से लेकर जनूब तक आग ही आग लग गई। दो लोगों की मौत भी हो गई है, जी हाँ। और आप स्क्रीन पर मेरे पीछे देख रहे होंगे, जी हाँ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आग लग रही है, किस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, वो सारी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, हिमाचल, इन तमाम जगहों पर मोदी जी की स्कीम को बहुत ज़्यादा युवाओं ने पसंद किया। लोग ऐसे भी ताना दे रहे हैं लेकिन मोदी जी को ना ताने समझ में आते हैं ना आंदोलन समझ में आता है। एक साल तक के किसान बैठे, सैकड़ों मर गए मगर रत्ती बराबर रहम नहीं आया। वो तो अल्लाह का शुक्र के इलेक्शन करीब आ गया था तो फिर थोड़ा सा कंप्रोमाइज हुआ, लेकिन वो कंप्रोमाइज भी उसी वक्त मैंने कह दिया था कि ये कंप्रोमाइज भी एक धोखा है। बाद में खुद किसान कहने लगे कि जो हमसे वादा किया था आखिर वो भी पूरा नहीं किया, और अब किसान कह रहे हैं कि दोबारा हम आंदोलन के लिए तैयार है। तो बस पूरे मुल्क को आंदोलन बना दिया मोदी जी ने, पूरे मुल्क को आंदोलन बना दिया। पूरे मुल्क में तबाही ही तबाही मची है। लेकिन इन तमाम तबाहियों में मैं आपको बताऊं कि 340 ट्रेनें मुतासिर हुई है, जी हाँ। पूरा निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया, जी हाँ। बिहार हरियाणा में इंटरनेट सर्विस को बंद करना पड़ा। कई अच्छा इतने खुश युवा कि कई बीजेपी के ऑफिस को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया, आग लगा दिया बीजेपी दफ्तर को, यानी बीजेपी की स्कीम कितनी पसंद आई। वहीं पर अब वजीर दिफा राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अमन अमान का माहौल बनाए रखें। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसी स्कीमें लाते क्यों हो जो किसी के समझ में ना आए, जी हाँ।
लोग कह रहे हैं कि आपकी ये चोर स्कीम है, आपका ये मुल्क को बेचना और प्राइवेट हाथों में देना और अडानी अंबानी का मुल्क को गुलाम बनाना, ये भले ही अनभक्त गोबर भक्त ना समझे लेकिन पढ़े लिखे बच्चे समझ रहे हैं कि उनके साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और आज ये जवान जो है, आज ये पढ़ने लिखने वाली पीढ़ी जो है, वो आज रास्तों पर उतर कर आतंकवाद का रोल अदा कर रही है। और एक वीडियो तो बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। मैं चाहूंगा शाकिर भाई से कि सिर्फ वो 5-7 मिनट के वो जुमले दिखा दे। जरूर लेगी, कहाँ नहीं लेगी, नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। वापस नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन जाएंगे। कि आज इन युवाओं का इतना बुरा हाल कर दिया कि जब युवाओं से पूछा जा रहा है कि क्या मोदी जी तुम्हारी बात को मान लेंगे, तो वह युवा खुद कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने नहीं हमारी बात को माना तो हम आतंकवादी बन जाएंगे। ये जुमला मोदी जी बहुत डेंजर जुमला है। आज हमारी पीढ़ी को किधर जाने पर मजबूर कर रही है हुकूमतें, जुल्म करके, मनमानी फैसले करके। बच्चे आज अगर मेरे मासूम इन पढ़ने वाले बच्चों के मुंह से ये लफ्ज निकल रहे हैं तो मेरी तो रूह कांप रही है कि आखिर मुल्क के इन पढ़ने वाले बच्चों को, हमारी इन नस्लों को, हमारी इस पीढ़ी को कौन सा रास्ता नजर आ रहा है। तो क्या आप अपनी ये स्कीमें वापस नहीं ले सकते हैं? जी हाँ, खैर आइए, अभी थोड़ा सा और मैं बात करूंगा, आगे और थोड़ा सा बात करूंगा, लेकिन अब आप थोड़ा सा इसमें पॉइंट देखें कि गुज़िश्त कल जुमा को लाखों मुसलमान जमा हुए पुरअमन तरीके से। अजमेर की वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हो रही है, कहीं पर कोई पत्थर नहीं, कोई मारधाड़ नहीं। जी हाँ, लेकिन हमारे मुल्क की आतंकी मीडिया को आप देखो, मैं जानबूझकर उस बदमाश का, उस शैतान का नाम दे लूंगा कि वो शैतान हेडलाइन क्या डाल रहा है, हेडलाइन क्या डाल रहा है। जुमा के दिन, कल जुमा का दिन था, तो जुमा से पहले हेडलाइन वो शैतान ये डाल रहा है कि पुलिस ऐसा हद, पुलिस बंदूक लेकर खड़ी हुई है और वो थंबनेल बनाकर हेडलाइन ये डाल रहा है कि आज जुमा का दिन है, पुलिस उपद्रवियों से निमटने के लिए, मुसलमानों से, यानी उपद्रवी बोले तो मुसलमान, उपद्रवियों से निमटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। तो क्या आंदोलन करने वालों को निमटने के लिए AK-47 लेकर तैयार होना पड़ता है? यानी आप चाहते हैं कि आंदोलन ही खत्म हो जाए, जायज तरीके जितने हमारे एहतजाज के हैं, मांग के हैं, डिमांड के, वो खत्म हो जाए। लेकिन अब आप देखें कि यही शैतान चैनल एक तरफ हेडलाइन ये लगा रहा है मुसलमानों के लिए कि उपद्रवियों से निमटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार। लेकिन इन उपद्रवियों ने तो कोई हंगामा नहीं किया, मगर यहां पर अरबों मिलियन डॉलर, कितना नुकसान हुआ मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता है। पूरी ट्रेनों को आग लगा दिया, फूंक दिया गया। और जनाब अब आप देखिए तो मीडिया वहां पर क्या लिख रही है, युवाओं का गुस्सा फूटा। यहां अब्दुल नहीं है ना, अब्दुल मुसलमान नहीं है ना, तो यहां युवा हो गए, यहां उपद्रवियों का गुस्सा फूटा नहीं, यहां युवाओं का गुस्सा फूटा। और एक लिख रहा है आंदोलनकारियों का गुस्सा फूटा। तो यहां पर गुस्सा ऐसा फूट रहा है कि करोड़ों या मिलियंस हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को आग लगा दी जा रही, मगर ये उपद्रवी नहीं है। तो ये जो मीडिया का आतंक है, इस आतंक को मैं तमाम दुनिया के सामने पहुंचा रहा हूं, आपने इसको वायरल करना। ये इसलिए बता रहा हूं कि मीडिया का आतंक आप देखिए कि अगर अब्दुल सामने रहा, मुसलमान सामने रहा, तो अल्फाज कैसे होते हैं। जी हाँ, और अब्दुल नहीं रहा तो अल्फाज कैसे होते हैं। वही पर आप देखिए एक और वीडियो सामने, 2-4 वीडियो सामने आ रही है कि जब अब्दुल सामने था तो पुलिस एकदम बहादुर जवान बनी हुई थी, गोली भी चला रही थी, डंडे भी चला रही थी, बिल्कुल आतंकवादियों का की तरह इन्हें मार रही थी। बहादुर है हमारी जवान पुलिस है, बहादुर है, और हमें उनकी बहादुरी पर फख्र है, नाज है कि उनकी बहादुरी की वजह से आज मुल्क बचा हुआ है। लेकिन यही पुलिस का घटिया रवैया आप देखें कि जब अब्दुल सामने नहीं है तो फिर हमारी बहादुर पुलिस अपनी जान बचाकर भागती हुई भी नजर आ रही है।
जी हाँ, और कुछ वीडियो में तो आप देखेंगे कि हमारी बहादुर पुलिस छुपती हुई भी नजर आ रही है, और कुछ वीडियो में तो आप देखेंगे कि हमारी बहादुर पुलिस ऐसा खामोश तमाशा देखती हुई भी नजर आ रही है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। हम तो पुलिस से ये कहेंगे, हुकूमत से ये कहेंगे कि फिर डंडा भी सबके लिए, सबका विकास, गोली में भी सबका विकास होना चाहिए ताकि मुल्क में अमन कायम हो जाए। और वो योगी जी को थोड़ी शर्म दिलाएंगे, लोग तो कह रहे हैं कि वहां शर्म गैरत नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन थोड़ी सी शर्म दिलाएंगे। आफरीन फातिमा का घर गिरा दिया गया, अब यूपी में भी तोड़ फोड़ हुई है, आग लगाई गई है, अब लोग बड़ी मोहब्बत की नजरों से योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रहे हैं कि योगी जी शायद आप अंधे तो नहीं है, शायद आप बहरे भी नहीं है। योगी जी अब लोग देख रहे हैं कि इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा। जी हाँ, इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा। जी हाँ, और हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमारी टीवी पर बैठी एंकर्स, एंकराएं, वो जो पूरा पूरी तरीके से भोंकने का हक अदा करती है, जब अब्दुल सामने होता है फिर पत्थरबाज और दंगाई और आतंकी जैसे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उन एंकराओं को मैंने देखा कि गुज़िश्ता कल से बेचारी आईसीयू में है, एडमिट है बेचारी, और हलक में शायद सूजन आ गई हुई है। पिछले 8 दिन से जो चिल्ला रही थी अब्दुल के खिलाफ, तो उनके हलक में सूजन आ गई हुई है, हलक में फोड़े आ गए हुए हैं, तो अब वो अल्फाज भी उनसे निकल नहीं पा रहे हैं जो अब्दुल के लिए निकलते हैं। ओ यारो, मेरी बात थोड़ी बुरी लग रही होंगी, मगर याद रखो, मीडिया का ये बदमाशपना, मीडिया की ये बदमाशी और शरारत, और हुकूमत का ये दोगलापन, और कानून अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना, और पुलिस का ये दोगलापन जो है मुल्क में तबाही लाएगा। क्योंकि जब इंसाफ खत्म होता है ना, और जुल्म आम होता है, और किसी खास समाज को जब टारगेट किया जाता है और फिर जुल्म आम किया जाता है, तो वो ऊपर वाले की जो सुप्रीम अदालत है ना, वो बड़ी जबरदस्त अदालत है, वहां से आज तक कोई छूटा नहीं है, कोई छूटा नहीं है। इसलिए फिर मैं कहूंगा कि मैं मुल्क का सच्चा वफादार शुभ चिंतक हूं, मैं चाहता हूं कि इंसाफ कायम हो, इंसाफ कायम होगा तो मुल्क में अमन आएगा, शांति आएगी, और मैं ये भी चाहता हूं कि हुकूमत भी तमाम मामलों को समझें और अपनी मनमानी और हुकूमत जो बेचने में लगी हुई है मुल्क को, इससे रुक जाएं। क्योंकि 2 दिन से हमारे युवा जो रोड पर आ गए, हुकूमत को समझना चाहिए कि सब जाहिल नहीं है और सब अंधभक्त और गोबर भक्त नहीं है, इसलिए कोई ऐसे इसकी में योजनाएं और प्लान न लाएं जो जनता को समझ में ना आए। इसलिए अब कांग्रेस ने भी, जेडीयू ने भी, आरजेडी ने भी, और कई पार्टियों ने हुकूमत से भी डिमांड किया है कि अग्निपथ स्कीम, ये जो आपकी थी, इसको आप बीजेपी के ऑफिस ही में रखिए और मुल्क को तबाह होने से बचा लीजिए।